फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जनवरी से लेकर जुलाई तक के करंट अफेयर्स, ठीक है ना। और मैंने इसमें कोशिश किया है कि जो बिहार विधानसभा हुआ उससे रिलेटेड जो मंत्री हैं वो उसमें फेरबदल हमेशा होते रहता है, तो वो सब मैंने ऐड नहीं किया है। वो एग्ज़ाम के वक्त ऐड कर दिया जाएगा जो करंट में उस वक्त होंगे, ठीक है ना। तो अदर करंट बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को मैंने यहाँ इंक्लूड किया है। तो जनवरी से जुलाई 2021 तक के करंट अफेयर को अभी हम देख लेते हैं, फिर जुलाई के बाद अगस्त से लेकर अब देखिए नोटिफिकेशन के आने के बाद अब कब तक एग्ज़ाम, यदि नवंबर में होता है तो एग्ज़ाम के 20 दिन पहले बाकी करंट अफेयर जो बिहार स्पेशल का होगा मैं अपलोड कर दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, ये देखते हैं। विश्व मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा किस राज्य में स्थित मौसम विज्ञान केंद्र को शताब्दी मौसम वैधशाला का दर्जा दिया गया है? तो ये आंसर है बिहार और पटना, ठीक है। चलिए इस पे हम क्या कहते हैं, यदि मार्कर ना भी चलाएं तो चलेगा क्योंकि आंसर तो सामने है ही। सौभाग्य योजना हर घर बिजली पहुंचाना के तहत किस जिला को बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री चुना गया है हर घर बिजली पहुंचाने में? तो ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो ये गया जिला बिहार। चलिए तीसरा देखते हैं। इंडियन पुलिस मानव संसाधन रिपोर्ट 2020 के अनुसार महिला पुलिसकर्मियों के प्रतिशत के मामले में देश में अव्वल राज्य रहा। तो महिला पुलिसकर्मियों के प्रतिशत के मामले में देश में अव्वल राज्य बिहार रहा, जहां कुल पोस्टिंग में 25.3% महिला पुलिसकर्मी हैं और कुल जनसंख्या भी बता दिया गया है कि 23,245। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के केंद्रीय गृह मंत्री, बिहार के पूर्व राज्यपाल और 2007 से 2010 तक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के अध्यक्ष रहे किस व्यक्ति का हाल ही में निधन हो गया? तो बुटा सी। आइए देखते हैं। लक्ष्मण झूला के तर्ज पर राज्य का पहला सस्पेंशन ब्रिज कहाँ बन रहा है? तो लक्ष्मण झूला के तर्ज पर राज्य का पहला सस्पेंशन ब्रिज जो बन रहा है वो पुनपुन पटना जनवरी का है दोस्तों। राज्य को के किस व्यक्ति को अखिल भारतीय शतरंज महासंघ का संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये आंसर है आपका छठा का, दिलजीत खन्ना। 2016 से विघटित बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड का अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? तो अखिलेश कुमार जैन। नालंदा की किस पहली लड़की ने केदारनाथ की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई करने का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो अर्पणा। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन के दौरान सभी वाणिज्यिक वाहनों का रोड टैक्स माफ किया गया? तो बिहार। फेम इंडिया और एशिया पोस्ट के संयुक्त सर्वे में राज्य के किस सांसद को सर्वश्रेष्ठ योग सांसद चुना गया? डॉक्टर संजय जायसवाल। तीन देशों से बिजली लाइन से जुड़ने वाला देश का पहला और इकलौता राज्य कौन बना? तीन देशों से बिजली लाइन से जुड़ने वाला, तो बिहार बना और जुड़ा किस किस से? नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से। तो ये कोस्ट वाला जरूर याद रखिए। आइए देखते हैं। बेस्ट टीचिंग स्टाइल के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ग्लोबल अवार्ड 2020 के लिए भारत के किस शिक्षक को चुना गया? नितेश विद्यार्थी पटना को, ठीक है, नितेश विद्यार्थी पटना। किस विश्वविद्यालय को इको फ्रेंडली कैंपस के लिए 5-स्टार रेटिंग के साथ गृहा, गृहा का मतलब दिया है ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया? तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार। सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला देश का पहला कोरोना अस्पताल कहाँ बना? तो फतुहा बिहार, सौर से संचालित होने वाला। दुनिया का पहला म्यूजियम बिनाले, दुनिया के नामचीन म्यूजियम एक साथ बिहार म्यूजियम से जुड़ेंगे, ये कहाँ आयोजित हुआ? तो बिहार में आयोजित हुआ, बिहार दिवस पर बिहार म्यूजियम द्वारा 22 मार्च और से 29 मार्च तक। इंडियन नर्सिंग काउंसिल द्वारा नर्सिंग उत्कृष्ट कार्य के लिए 2020 के राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो रंजू कुमारी बिहार की हैं।
भारत सरकार द्वारा वीर रत्न पदक श्री जवाहर 2020 देश के 54 लोगों में से बिहार के किस एक व्यक्ति को दिया जाएगा? तो मनीष कुमार आरा। क्या है? भारत सरकार द्वारा वीर रत्न पदक श्री अवार्ड 2020 देश के 54 लोगों में से बिहार के किस एक व्यक्ति को दिया जाएगा? तो मनीष कुमार आरा। राज्य का पहला इंटरनेशनल कॉन्वेंशन सह कल्चरल सेंटर कहाँ बन रहा है? तो ये बौद्ध गया। आइए, बिहार के कितने जिलों में सैनिटरी फैड बैंक खोले जाएंगे? तो ये 8। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 अमेरिका में आयोजित होने वाला बिहार की मीनू सोरेन किस खेल में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी? तो जैवलिन थ्रो में। 16 जनवरी 2021 को शुरू हुए दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में राज्य का पहला टीका किसे दिया गया? तो रामबाबू IGIMS के सफाई कर्मी थे ये। देश की पहली ई मंजिल सेवा नाम से ऑल इलेक्ट्रिक प्रीपेड टैक्सी सेवा की शुरुआत कहाँ हुई है? तो ये पटना हुआ। हाल ही में राज्य के पहले राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव की शुरुआत कहाँ हुई? तो नागी नकटी पक्षी आश्रणी अजू जमुई में पड़ता है, ठीक है। और सीधे क्वेश्चन यहाँ से ऐसे भी आता है कि हाल ही में राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव की शुरुआत कहाँ हुई, तो फिर बिहार राज्य, ठीक है। अब जब राज्य जोड़ के बोले तो फिर इसके अंदर से पूछा जाएगा, तो नागी नकटी पक्षिया श्रेणी जमुई। आइए देखते हैं, भारतीय रेल का पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू किया गया है? तो ये पटना। बिहार के किस पहले इंटरनेशनल टेबल टेनिस अंपायर का हाल ही में निधन हो गया? तो सीम चक्रवर्ती। ड्रग्स पर पूर्ण विराम अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ज्योति कुमारी, ये साइकिल गर्ल से फेमस है बिहार में। बिहार स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा विकसित कौन सा ऐप राष्ट्रीय स्तर पर एक मॉडल बना? इसे दूसरे राज्यों द्वारा भी अपनाया जा रहा है, तो स्मार्ट प्रीपेड मीटर। बिहार विधानसभा चुनाव में किस जिला में जिला प्रशासन की ओर से बनाए गए दुनिया के सबसे बड़े फेस मास्क 885 वर्ग फीट को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया? तो पटना। 2020-21 में कार्य प्रदर्शन के मामले में देश में दूसरा स्थान किस रेल जोन को मिला? 2020-21 में कार्य प्रदर्शन के मामले में देश में दूसरा स्थान किस रेल जोन को मिला? तो पूर्व मध्य रेल जोन, पहला दक्षिण पूर्व रेल जोन। तो यहाँ पे दूसरा स्थान पूर्व मध्य रेल जोन बिहार वाले का मिल रहा है, पहला जो है दक्षिण पूर्व रेल जोन कोलकाता। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दक्षिण पूर्व, अच्छा दक्षिण पूर्व है तो कोलकाता है। आइए, स्कूली बच्चों को ट्यूशन देने के लिए NIT के अनीता भारती और अभिषेक आनंद द्वारा 12 भाषाओं में किस ऐप का निर्माण किया गया है? तो TU-ON ऐप। राज्य का पहला ट्रैफिक IG किसे बनाया गया है? तो MR नायक को। आगे देखते हैं, दुनिया के सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान में बिहार में पहला टीका किसे दिया गया? तो रामबाबू। उतना दिन का कलेक्शन है दोस्तों, तो कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं है आपको, और अच्छा है कि याद होगा। देश का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ बना? भागलपुर सुंदरबन में, ठीक है। देश का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ बना? तो भागलपुर सुंदरबन परिसर में बने रेस्क्यू सेंटर के पहले कछुआ का नाम पहलका दिया गया है। गरुड़ संरक्षण में दुनिया में बिहार का क्या स्थान है? तो ये 3रा। दुनिया के 1800 गरुड़ों में से 600 सिर्फ बिहार के भागलपुर सुंदरबन में है। भारत सरकार द्वारा हाल ही में किस जिला को ODF+ घोषित किया गया है? खुले में शौच मुक्त, ODF का मतलब वही होता है, तो ये होगा पटना। बिहार विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष कौन बने? शिशिर सिन्हा। कोविड प्रोटोकॉल के बीच मतदाता जागरूकता के लिए कराए गए वॉकाथॉन के लिए पटना के किस DM का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया? तो ये होगा डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह। 533,588 लोगों ने इसमें भाग लिया था। नीति आयोग द्वारा जारी दूसरे इनोवेशन इंडेक्स 2020 में 17 मेजर स्टेट में बिहार को क्या स्थान मिला? तो ये सब क्वेश्चन जरूर ध्यान में रहना चाहिए। नीति आयोग द्वारा जारी दूसरे इनोवेशन इंडेक्स 2020 में
17 मेजर स्टेट में बिहार को क्या स्थान मिला, तो 17वां, ठीक है। स्कोर है 14.5। शीर्ष पे कर्नाटक है। इसमें देश के किस पहले कंज्यूमर ड्यूरेबल रिटेल कंपनी को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में मेन बोर्ड प्लेटफॉर्म में जगह मिला, तो ये आदित्य विजन पटना। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2021 में 21 जनवरी 2020 को बिहार में आयोजित किस मानव श्रृंखला को दुनिया के सबसे लंबे मानव श्रृंखला के रूप में जगह मिला, तो ये मानव श्रृंखला का टॉपिक था जल जीवन हरियाली पर बनी राज्यव्यापी मानव श्रृंखला। इसका कुछ डिस्क्रिप्शन भी है, ये देख लेते हैं। 5,16,71,389 लोगों द्वारा बनी 18,034 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला, इससे पहले दो बार बनी मानव श्रृंखला ने भी रिकॉर्ड बनाया। वर्ष 2017 में नशा मुक्ति अभियान के लिए 4 करोड़ लोगों द्वारा बनी 12,760 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला का नाम भी दुनिया की सबसे लंबी मानव श्रृंखला के रूप में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हुआ था। फिर वर्ष 2018 में दहेज और बाल विवाह कुप्रथा को दूर करने के लिए चले अभियान में 3,80,00,000 लोगों द्वारा बनी 14,080 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनी थी। तो लेटेस्ट ये का टॉपिक जो है जरूर याद होना चाहिए, जल जीवन हरियाली पर बनी राज्यव्यापी मानव श्रृंखला। आइए 41वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गृह मंत्रालय द्वारा जारी पद्म भूषण 7, पद्म भूषण 10 और पद्म श्री 102 कुल 119 व्यक्तियों की सूची में बिहार के कितने व्यक्तियों को पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, तो इसमें 5 व्यक्ति हैं। वो 5 व्यक्ति का डिस्क्रिप्शन हमने नहीं लिखा है। नीति आयोग द्वारा जारी दूसरे इनोवेशन इंडेक्स 2017 में 17 मेजर स्टेट में बिहार का क्या स्थान है, तो 17। चलिए आगे देखते हैं। कोरोना काल में सफलतापूर्वक चुनाव कराने के लिए वेस्ट स्टेट अवार्ड श्रेणी में किस राज्य को चुनाव आयोग द्वारा इलेक्शन मैनेजमेंट अवार्ड दिया गया है, तो आंसर होगा बिहार। बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए प्रिंट मीडिया की श्रेणी में चुनाव आयोग द्वारा 2021 का राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया, तो दैनिक जागरण को। बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाता जागरूकता गतिविधियों में प्रभावी भूमिका निभाने के लिए CSO श्रेणी में चुनाव आयोग द्वारा 2021 का राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया, तो जीविका संगठन को, ठीक है। बिहार विधानसभा में मतदाता जागरूकता गतिविधियों में प्रभावी भूमिका के लिए CSO श्रेणी में चुनाव आयोग द्वारा 2021 का राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया, तो जीविका संगठन को। गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी, भावना कंठ दरभंगा। गणतंत्र दिवस 2021 के परेड में ब्रह्मोस मिसाइल दस्ते का नेतृत्व बिहार के किस कप्तान द्वारा किया गया, तो कमरुल जमा। कृषि विभाग बिहार द्वारा बीज में आत्मनिर्भरता के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई, तो मिशन 4.0। इस मिशन के तहत राज्य में पहली बार शंकर धान और मक्का के बीज का उत्पादन शुरू किया गया। सारण के किस मशहूर वयोवृद्ध कलाकार को बिहार सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, क्या सारण के किस मशहूर वयोवृद्ध कलाकार को बिहार सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया, रामचंद्र मांझी। नेशनल फार्माथन 2020 में देश के किस पहले संस्था को बेस्ट कम्युनिटी बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड मिला, तो ये है बेज फेज, बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी फेडरेशन। जनता का सेवक पुस्तक के लेखक कौन है, तो शफक वानो, इसे भी आप याद रखिए। 41 बॉल पर शतक बनाकर किस खिलाड़ी ने हरमनप्रीत कौर के 49 बॉल पर बने शतक के रिकॉर्ड को तोड़ इतिहास रचा, तो कोमल कुमारी पटना। किसे मरणोपरांत महावीर चक्र 2021 से सम्मानित किया गया, तो कर्नल संतोष बाबू। बिहार की किस बेटी को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2021 से सम्मानित करने का घोषणा किया गया, तो राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2021, तो ज्योति कुमारी पासवान, साइकिल गर्ल। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया, डॉक्टर सहजानंद प्रसाद। पटना के किस प्रख्यात अर्थशास्त्री का हाल ही में निधन हो गया, तो डॉक्टर शैवाल गुप्ता। एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट के संस्थापक सदस्य और सचिव थे। राज्य विधि आयोग का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है, अंजना मिश्रा। और ये सब चेंज भी होने वाला होता है कभी कभी, तो ये सब अपडेट होते रहना चाहिए। भगवान महावीर
फाउंडेशन तमिलनाडु द्वारा बिहार के किस गणितज्ञ को महावीर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो आनंद कुमार। एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 महिला ट्रैप में रजत पदक किसने जीता? तो श्रेयसी सिंह। एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 महिला ट्रैप में रजत पदक किसने जीता? श्रेयसी सिंह। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।